फ्रेंड्स कैसे हो, वेलकम टू लेट्स लर्न विथ रुपेश। अभी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, इसका हम सभी इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या होते हैं और इन्हें कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ये लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है दोस्तों, हमने पहले बता रखा है ट्रिगोनोमेट्री में हम जो भी करते हैं वो सभी राइट एंगल में ही आते हैं। जितने भी एंगल यहाँ पे आते हैं, एक राइट एंगल ही यहाँ पे आता है ना। उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर बाद में करते हैं। तो सबसे पहली बात, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखा, ये खंभे है, खंभे के साथ ऑब्जेक्ट को लगा दिया गया है और यहाँ से ये ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो इनके आई से और इन्होंने इस ऑब्जेक्ट को देखा, यहाँ पे एक जो लाइन आ रहा है इन दोनों के बीच में, यही लाइन ऑफ साइट कहलाता है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट को व्यू किया जाता है और वहाँ पे जो लाइन बनते हैं, इसे लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल लेवल। अपना हॉरिजेंटल लेवल क्या होता है, हॉरिजेंटल लेवल एक प्रकार का हॉरिजेंटल लाइन है। तो हॉरिजेंटल लेवल इज द हॉरिजेंटल लाइन थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के आई से यहाँ से जो ये एक लाइन आ रहा है डॉट डॉट करके, ऑब्जर्वर के आई से यहाँ तक ये जो लाइन आ रहे हैं, ये क्या है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, जिनको हॉरिजेंटल लेवल के नाम से जानते हैं। चलो दोस्तों ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी हम जो दोस्तों सीखने जा रहे हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है इसको जानते हैं। अभी हमने देखा लाइन ऑफ साइट, ऑब्जर्वर नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट किसी खंभे के साथ है ना लटका हुआ है, और हमने देखा यहाँ व्यूअर है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इन्होंने देखा एक लाइन बना, तो लाइन ऑफ साइट होता है। अब देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द रिलेवेंट फॉर ऑब्जेक्ट अबव हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इट इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट विथ हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है दोस्तों, उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। देखो ये लाइन ऑफ साइट हो गया, हमें पता है लाइन ऑफ साइट क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, हॉरिजेंटल लेवल हॉरिजेंटल लाइन के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन आ गया, इन दोनों के बीच लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल के बीच जो एक एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अब हमने ये सीख लिया है, अब आगे हम देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अभी जो हम दोस्तों बताएं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज रिलेवेंट फॉर ऑब्जेक्ट्स बिलो द हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन से हमारा जो हॉरिजेंटल लाइन है, इससे नीचे, इससे नीचे हमें लेना है, इससे नीचे देखो हमने लिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ पे व्यूअर है, ये व्यूअर यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो हमें पता है क्या बनता है, लाइन ऑफ साइट होता है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बन रहे हैं, ये देखो ये यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये, और ये कहाँ बन रहे हैं, यहाँ पे जो व्यूअर है और यहाँ पे इन्होंने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ एप्पल है जो भी है, और हॉरिजेंटल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट के बीच भी क्या बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन भी ऐसे ही हुआ करते थे, है ना, इट इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विथ हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन होंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, हाइट एंड डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन को ड्रॉ करना होगा, ड्रॉ अ लाइन। दूसरी बात, ड्रॉ ऑल गिवन डाटा, जो भी डाटा हमें दिया गया है उन डाटा को हम पहले लिख डालेंगे। तीसरी बात, यूज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को यूज करते हुए हमें उसमें बाकी जो डाटा है उनको कैलकुलेट करना है।
अभी आपको सारे एक बार रिमाइंड करवा देते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या किया है। सबसे पहले लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या होता था, वही व्यूअर नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते थे और उन दोनों के बीच जो एक क्या लाइन बनता था वो लाइन क्या होता था, लाइन ऑफ साइट होता था। उसके बाद हमने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमने देखा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हुआ करता था और यहाँ पे कुछ थे, हम यहाँ से नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनते थे है ना, तो वो क्या होता था, एंगल ऑफ एलिवेशन होता था। जबकि अब हम आगे डिस्कशन करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होते थे, जब किसी वस्तु को हमने नीचे रख दिया है और ऊपर से जाके उस वस्तु को मैं वहाँ से देख रहा हूँ तो लाइन ऑफ साइट हो गया और यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन अपना आता है सीधे सामने हॉरिजेंटल लाइन। अगर इससे बिलो हॉरिजेंटल लाइन से बिलो जो एंगल बनेंगे वो एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और उसके बाद हमने जो यूज़ किया है उसके बाद कैलकुलेट करने के लिए बताया गया कि क्या करना है। सबसे पहली बात कि हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, जो भी डाटा है उसको पुट कर देना है। तीसरी बात क्या करना है, हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करते हुए बाकी के डाटा को कैलकुलेट करना है। ओके।